अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हूरी और बालाज की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। बालाज का ज़ख्मी होना और हूरिया का उसकी खिदमत करना दोनों के दिलों में मोहब्बत के जज्बात पैदा कर देता है। यहाँ तक कि जब बानो को बकाने के जुर्म में ताया सरकार हूरिया पर हाथ उठाने लगते हैं तो बालाज उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इस पर हाथ उठाने से पहले ये आप सोच लें कि ये मेरी बीवी है। वो ताया सरकार हैरान होकर रह जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसको उन्होंने बचपन से बेटा समझकर पाला था, आज बीवी की मोहब्बत में उनके सामने खड़ा हो गया है। हूरिया भी हैरान होकर देखती है और उसकी ताई भी। किस हवेली में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई मर्द अपनी बीवी के हक़ के लिए खड़ा हुआ है। जब वजाहत को ये सब कुछ पता चलता है तो उसे यूँ लगता है जैसे उसे उसकी तमाम कुर्बानियों का सिला मिल गया है। अंबर को उसके बुरे इरादे की वजह से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना ही उसे बालाज मिलता है और फाइक भी उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वह उसे पहले ही कह चुका है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है और वह सिर्फ़ मिनहल का है। और यूँ ताया सरकार को उसके किए की सज़ा अंबर की सूरत में मिल जाएगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।